लेकिन एक बड़ी खबर मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी से अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है और कल एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक के लिए मांझी को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है, यानी हलचल बहुत तेज है। जीतन राम मांझी से खुद अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और कल दिल्ली में ये बैठक होनी है। अब दरअसल बीजेपी के लिए उसके सहयोगी बहुत जरूरी हो चुके हैं और कितने जरूरी है उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। और प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रकाश, लगातार फोन जाने शुरू हो गए नेताओं को। बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से जैसे ही नंबर गेम का फासला शुरू होता है उसी तरह से पाशा बदल जा रहा है। अब जीतन राम मांझी जो सिर्फ एक सीट जिनके पास है, गया से वो चुनाव जीत रहे हैं, तो उसको देखते हुए जीतन राम मांझी ने उनको फोन करके बधाई भी दी और साथ में ये भी कहा कि कल एनडीए की बैठक है उसमें वो जरूर आए। इस मामले में जानकारी दी गई है मीडिया में और इस स्पष्ट है इस बात से कि जीतन राम मांझी अब वो देखेंगे कि कैसे किनके साथ कहां कब जाना है, आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फिर से बात करेंगे कि आगे की रणनीति साथ में तय करनी है या फिर बीजेपी के साथ जाना है। तो एक तरह से बिहार की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। जी बिल्कुल, और गठबंधन के सहयोगी कितने अब जरूरी हो गए इसका अंदाजा आप लगाइए कि जीतन राम मांझी से भी संपर्क फौरन किया गया है, सिर्फ एक उनके पास सांसद जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके से अपने साथ लोगों को रखने की कोशिशें की जाएंगी। ऐसा लगने लगा था पिछली सरकार में कि सहयोगी शायद जरूरी नहीं है। अब 10 बड़ी बातें बता दें आपको, इन रुझानों की बातें। एनडीए को बहुमत मिल रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी का वोट शेयर 2014-2019 की तरह स्थिर है। एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल में बीजेपी का क्लीन स्वीप, आंध्र प्रदेश में एनडीए, ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए हैं। एनडीए को बहुमत मिल रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी को अपने दम पर लेकिन बहुमत नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सीधे तौर पर यह कि गठबंधन की सरकार का दौर वापस लौट आया है। सरकार जिसकी भी बनेगी सहयोगियों के साथ बनेगी और रुझानों के मुताबिक एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाने को लेकर दोनों खेमों में जबरदस्त हलचल है। कल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की बैठक होगी। शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात की है, यह भी एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। नीतीश को डिप्टी प्रधानमंत्री का, डिप्टी पीएम का ऑफर तक दे दिया गया। अमित शाह की चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत हुई है। तो पल पल बदलता घटनाक्रम और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि संभावनाओं के कई द्वार खुल रहे हैं। होगा क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नतीजे तो आ गए, आप सभी लोग बेसब्री के साथ 2024 के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन नतीजों ने दरअसल कई पेच भी फंसा दिए हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और इंडिया अलायंस के लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में, एनडीए के लोगों के संपर्क में। यानी आपको लग रहा है कि जोड़ तोड़ वाला हिसाब किताब शुरू हो गया होगा? बिल्कुल, देखिए जोड़ तोड़ का हिसाब बिल्कुल शुरू होगा और ना केवल शुरू होगा बल्कि अगले 10 दिन तक इसमें बार्गेनिंग भी देखते रहेंगे और इस बार्गेनिंग में हर व्यक्ति अपना हिस्सा मांगेगा क्योंकि अब सत्ता का जो धुरी है या केंद्र है वो कमजोर हो गई। एक बात तो साबित हो गई कि बीजेपी को अब अपने सहयोगियों की बात करनी पड़ेगी। पिछले 10 साल में एनडीए के 2 या 3 बैठकें हमको याद हैं, लेकिन अब एनडीए की हर दिन बैठक होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।